सत श्री अकाल जी, प्राइम एशिया टीवी से तुहाडा सारे दर्शकों का असीं स्वागत करते हाँ। प्रोग्राम प्राइम हैपनिंग लैके कुसुम फिर हाजिर है। तो अज का प्राइम हैपनिंग स्पैशल वाला प्राइम हैपनिंग है जेंटलमैन एंड क्रिएटिव गाय जिमी शेरगिल। रोमांस भी है, सैडनेस भी दिख रही है, फिर एक पहली पंजाबी फिल्म है आई थिंक जिहदे विच एक डॉग नूं लिया गया है, फिर दो हीरोइनस इको फिल्म दे विच ने, राजीव ठाकुर वर्गे कॉमेडियन जिहड़े कलाकार ने ओह रोंदे हुए दिखाई दे रहे ने। डायलॉग प्रोमोज हुण आ रहे ने, लोकी देख रहे ने, उहनां दा रिस्पोंस भी मिल जांदा है कई वारी थोनूं लोकां दा भी ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, गाने लोकां नूं पसंद आ रहे ने। ते एक फ्लेवर फिल्म दा जिहड़ा हैगा सार जिहड़ा हुंदा है एक वारी पता लग जांदा है, फिर बंदा डिसाइड कर लैंदा है एज एन ऑडियंस कि भी जाके फिल्म देखिए या ना देखिए। सो आई थिंक जे थोनू पोस्टर ट्रेलर गाने सारा कुछ जो वधिया लग रहा है प्लीज़ जाओ। 17 नू फिल्म रिलीज़ हो रही है, 17 मार्च नू जाके देखो जी। की एक ट्राइंगल लव स्टोरी है, क्योंकि बहुत ही फिल्मों में होता है एक कुड़ी होती है दो मुंडे होते हैं, पर ये ये भी उल्टा है कि दो कुड़ियाँ और एक मुंडा है। दो कुड़ियां ने हम की कर सकते, कहानी है जिसी की भी दो कुड़ियां ने ते उन्हां दे नाल सारा कुछ पुट्ठा हो रहा है, कुड़ी प्रपोज कर रही है मुंडे नूं जिहड़ा के साडे इत्थे तक कदे देखण नूं मिलता नहीं। सो काफ़ी पुठियां चीज़ा है, पर कई बार पुठियां चीज़ा जिहड़ियां हैगियां ने किसी कहानी दे विच सूट कर दिया ने सिद्धियां पैंदियां ने। सो असी यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद है जो दर्शाने की कोशिश की है। एक प्यारी जी कहानी है, तो जो मैं डॉगी की गल कर रहे हो तुसी कुत्ते की बेचारा, वो भी हर कहानी दे विच तां तुसी नहीं पा सकते किसी कुत्ते नूं। एक कहानी यह जी सी क्योंकि मुंडा जिहड़ा हैगा पंजाब तो बाहर गया होया उत्थे हैगा, इलीगल इमीग्रेंट है उत्थे, कोई आइडेंटिटी नहीं है उहदी कि ना तो वो को इंडिया का पासपोर्ट है ना उत्थे दा कोई वीज़ा है कोई पी आर नहीं कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने कच्चा कहते हैं जेडे उ नहीं होंगे पक्के। सो एक डिफरेंस भी देखने थोन मिलता है कि उत्थे दे जेडे बॉर्न एंड ब्रॉटअप होंगे ने उन्होंने की सुभाव होंगे है, तो अपने जेडे इतों गए हुए ने उन्होंने कहानी का बैकड्रॉप है। सो उत्थे जाके किवें बंदा इन्ना कल्ला हो जाता है भी कोई बंदा नहीं होंदा जिहदे नाल ओह गल कर सके, जिहनूं जिहदे नाल ओह दिल दीआं गल्लां सांझीआं कर सके भी मेरे नाल आ हो रिहा इस वेले मैं किसे नाल गल नहीं कर सकदा। घरदिआं नूं भी कई वारी तुसीं फोन करदे हो ते घरदे कहिंदे ने यार तू इन्नी मसा मसा तैनूं उत्थे भेजिआ है ते तू हुण कह रहे वापस आ जाएगा ये बहुत सारी स्टोरीज़ ने। सो हुण बंदा किहदे नाल गल करे, सो कुत्ते दे नाल गल कर रहे तो उन्हों आप दे बारे दस रहे भी हुना देख मेरे नाल आ हो रहे हैं। ओके सो सरगुण जी, सगी पहला तो नाम बहुत स्वीट है और मैं लगता है इन फ्यूचर तुसी ये अपना निकनेम भी रख सकते हो सरगुण ते सगी का ज्यादा सोचा नहीं सी पर रख सकती हूं, मेरे को निकनेम है भी नहीं। हां तो सो सगी दा की करैक्टर है जी? वह पंजाब तो कैनेडा गई है, उत्थे पढ़ रही है, पढ़दे नाल कम भी कर रही है ना, तुसी गाने च भी वेख्या होना वो पिज्जा शॉप ते कम करदी है, उत्थे पिज्जा बनाउंदी है। किन सरकमस्टेंसेस दे अंडर वो कैनेडा गई, क्यों गई, वो सारा तो थानू फिल्म च पता लगेगा। ओके ते अगे जा के उहदी मुलाकात हुंदी है करमे नाल ते ईश ते बाकी सारे नाल, ते उत्थों कहानी किद्दां अगे तुरदी है? ओके तो जो थोड़ा पता लग गया कि नीरू बाजवा है जिमी शेरगिल ने, तो दिल दे विच कोई डर जा कोई कन्फ्यूजन के मैं करना है नहीं करना किवें करना है मैं रिएक्ट किवें करना है? नहीं डर कन्फ्यूजन नहीं सी, बहुत खुशी सी। ओके तो सारे जिन्हें भी लोग जिस भी इंडस्ट्री काम करते हैं उन्होंने लगता है कि हमेशा जेडे उस इंडस्ट्री के क्रीम आर्टिस्ट ने उन्होंने नाल काम करे है ना, टॉप पे लोगों नाल काम करे, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू सो, आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी नाइस। सो नीरू जी दे नाल सो मैं पूछन जा रही थी कि जिमी शेरगिल जी दी वो स्टेटमेंट बदली कि हले भी वही है नीरू बाजवा जी नु लेके कि थोड़ी नहीं बनदी जा एक माड़ा मोटा जो होंगे एक कॉम्पीटिशन होंगे एक तरीके का भी
बाकी वो सारा कुछ सो कोई जरूरी नहीं है कि कोई बंदा लड़ूगा किसी के नाल। कई बार लोग कोल्ड वॉर भी कर लेंगे मतलब मतलब लड़न का मतलब किसी तो अड्डा किसी रोडा रुडा लेके पहुंच गई थी सेट पे डायरेक्टर ने कहा था भी नहीं 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 वैसे मैं देख रही थी ब्यूटी पार्लर जो सॉन्ग सी एक दूसरे वाला नहीं देख रही थी एटीट्यूड देखा था मैंने हां जी हुन एक कोई मुंडे नाल प्यार कर दिया ने तो हुन एक दूसरे नु थोड़ा ना प्यार करन गया एटीट्यूड है ना वो तो फिल्म दा भाग है ओके बट फिल्म तो अलावा मेनू नीरू बहुत पसंद है एंड वी हैड अ ग्रेट केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन टू ओके सो जी देख रही थी डॉग जो है ऑन स्क्रीन सो ओदे नाल मतलब ओनु कंट्रोल करन च कोई प्रॉब्लम जा ओदे नाल थोड़ी कोऑर्डिनेशन किमे के एक डॉग दे नाल तुसी अपने डायलॉग शेयर कर रहे हो सो वो एक्सपीरियंस डॉग थोड़ा जे ज्यादा पैम्पर्ड हुंदा ना सेट ते ओदी चलदी आ ओ थक गया ते ओ बैठ जूगा ओके असि थक गए ट्रेन्ड हुंदे ने जी ओदे प्रॉपर्ली ट्रेन्ड डॉग हालांकि सो कदे भी सौखा नहीं हुंदा किसे भी एनिमल दे नाल शूट करना कदे भी सौखा नहीं हुंदा पेशेंस चाहिदी बिल्कुल सर हुण जिमी शेरगिल साहब तो थानू सिखण नु की कुछ मिलया एज आर्टिस्ट बहुत कुछ सीख सकते हो कोई भी सीन सटली कर सकते ने ना एक नैचुरल चीज आ गई हुण है ना असी अचीव करने की कोशिश करते हैं असी बार बार एक सीन नू करते हैं एक सुर पकड़न ले पर एना नू करन दी हुन लोड़ नहीं रहेगी ही जस्ट नोज़ द राइट कॉर्ड ऑल द टाइम एंड आई थिंक विद टाइम या अनदर नाल कम करके थैंक यू मैडम थैंक यू पता लग जूगा थोड़ी तारीफ हो गई सरगुण दी जे तारीफ करनी होवे तां की कहोगे ओ नहीं होना एना तो नहीं परफेक्शनिस्ट है उन्होंने हर चीज़ जी है प्रॉपर तरीके चाहिए है मैं लगता है कि शूटिंग वे भी एक टेक ओके हो जाता से फिर भी इन्हों का होंगे मैं एक होर डिफरेंट तरीके करके मतलब डायरेक्टर भी होंगे है कि भी चलो करो कुछ तो कई बार तो बहुत चिर ला देंगे मतलब परफेक्ट करने लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने ऐ होंगे भी डिफरेंट डिफरेंट करके फिर बाद देखेंगे भी की वधिया लगता है हिसाब न किस स्टाइल नाल भी कर लें किस तरीके नाल भी कर लें करते रहते एक्सपेरिमेंटिंग आप डायरेक्टर के नाल बह जाता साइड से जाके चाह कॉफी पी लेंदा सी बॉलीवुड कदे बॉलीवुड कदे हिंदी कदे पंजाबी सो किवें मैनेज हुंदा करना पैंदा जी मैनेज कदे नहीं हुंदा कि पंजाबी फिल्म च तुसी कर रहे हो तो थोड़ी हिंदी हावी हो रही है हिंदी फिल्म कर रहे हो तो पंजाबी हावी हो रही है नहीं जी हजे नहीं दिलजीत नूं हुंदा होगा मैनूं औखा हो जाऊगा ना क्योंकि साइमल्टेनियसली दोवें कर रहे तो मैनूं तां नहीं हुंदा जी मैं तां एक करदा साल दे विच अपनी पंजाबी फिल्म ते टका के करन दी कोशिश करदे हां ओके फिल्म दी गल हो गई जी आपां हुण पर्सनल एक दो सवाल मैं जे करां जे तुसीं एक चीज़ चुननी होवे मुच्छां ते नत्तियां चों कीड़ी चीज़ चुनोगे चुननी होए हाँ मुझे ही गाउन से टाइम लाता है दस, दस, दस बार इधर ला भी सकते हैं तो जिंदुआ जा धरती इस वेले तो जिंदुआ कहोंगे दिमाग अपना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਔਰ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ जिमी शेरगिल जिंदुआ रिलीज़ हो रही है ओके कलरफुल सैंडल्स और कलरफुल बैग्स ओके सो आखिर दे विच साडी ऑडियंस नू क्योंकि साडी सारी ऑडियंस कैनेडा बलबल दी है सो उन्हां नू एक आखिरी अपील फिल्म दे लई हाँ जी साडी फिल्म जिंदुआ 17 मार्च नू रिलीज़ हो रही है जी वर्ल्डवाइड ते इहदी शूटिंग सारी कैलगरी च हुई है अल्बर्टा च कैनेडा दे विच ते तुहाडी आप दी फिल्म है जे तुसीं नॉर्थ अमेरिका दे विच बैठे हो देखो फिल्म एक बहुत प्यारी जी कहानी है जी लव स्टोरी है फ्लेवर तो थोनू देखने मिल ही गया होगा जेडे ट्रेलर आ रहे ने गाने जेडे तुसी देख रहे हो पोस्टर देखा होगा तुसी जे थोनू पसंद आ रहा डेफिनेटली पूरी अपनी फैमिली नू लैके जाओ ते फिल्म देखो 17 मार्च नू जिंदुआ
थैंक यू सो मच एट ऑल द बेस्ट थैंक यू प्राइम हैपनिंग देख रहे सारे दर्शकों साढ़े सारे वालों सत श्री अकाल प्राइम एशिया टीवी के जुड़े हो धन्यवाद